नमस्कार, मैं हूं संजय पति त्रिपाठी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ प्लस, स्वास्थ्य जागरूकता का अति लोकप्रिय कार्यक्रम। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी। आज की जानकारी का विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक, लिविंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर रामरतन बैनर्जी साहब। आइए देखते हैं विगत 50 वर्षों से चिकित्सा सेवा में रत डॉक्टर रामरतन बैनर्जी साहब कोलाइटिस के बारे में क्या जानकारी देते हैं। डॉक्टर बनर्जी, हमारे स्वास्थ्य जगत के अति लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। संजय जी, आपके स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर बनर्जी, इस औपचारिकताओं के बाद में हम आते हैं अपने विषय पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के संबंध में जिससे पूर्वांचल के लोग और विशेष तौर से गोरखपुर के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित दिखते हैं। वह रोग होता है कोलाइटिस का। इतना तो हमारे दर्शक जानते ही हैं कि लैट्रिन के रास्ते खून आने लगे, पेट में ऐंठन मरोड़ होने लगे, तो उनको संदेह हो जाता है कि हमको कोलाइटिस की शिकायत हो गई है। लेकिन आज हम ये चाहेंगे कि चूंकि एक वैज्ञानिक रूप से एक विशेषताओं भरा हमारा यह कार्यक्रम होता है, तो हम ये चाहेंगे कि कोलाइटिस के संबंध में जो भी उसका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है, जो उस बीमारी के बारे में उसका परिचय हो सकता है, वह आप हमारे दर्शकों को बता दें। कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस को बड़ी आंत की सूजन भी कहा ही जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द कोलन कैरेक्टराइज्ड बाय सपोर्टिव अल्सरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अर्थात इस रोग में बृहद तंत्र की श्लेष्मी कला में शोथ होकर बृहद तंत्र शोथ तथा दृढ़ अर्थात अल्सर्स का रोग हो ही जाता है, जिसके कारण रक्त और आँव से मिश्रित अनेक पतले दस्त बार बार आते ही रहते हैं। कोलाइटिस होने के जो कारण होते हैं, विशेष तौर से अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में कुछ बात हो जाए। जी, अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस के उत्पादक कारणों का कोई निश्चित आधार नहीं प्राप्त हो सका है। ये बीमारी क्रॉनिक इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अर्थात जीर्ण काल का शोथ एवं जीर्ण काल के आमाशयिक संक्रमण के रूप में पाई जाती है, जानी जाती है। ये स्त्री, पुरुष, बच्चा, जवान तथा वृद्ध सभी लोगों में एक समान रूप से होती रहती ही है। कुछ लोग इसे पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी मंडल द्वारा होने वाला बीमारी मानते हैं। वहीं इस रोग के बारे में ये भी समझा जाता ही है कि अत्यधिक चिंता, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक शोक जैसे मानसिक विकारों के कारण भी ये रोग हो ही जाता है। हाइपोथैलेमस के विक्षोभ या मानसिक विक्षोभनशीलता को इस रोग का एक प्रधान कारण कहा ही जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात ये चीज़ की है कि कोलाइटिस का संबंध जो है खान पान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और जितने भी लोगों को इस तरह की बीमारी होती है या पेट जिसके भी पास है उसको पेट की बीमारी का तो ज्ञान होता ही है, तो इसका संबंध खान पान से है। अब हमारे वह दर्शक जो यह समझते हैं कि हम कुछ भी खाते रहें हमारे पेट में कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं उनको यह चाहता हूँ कि आप यह बता दें कि कोलाइटिस का संबंध खान पान से है या वो कुछ भी खाते रहे उनको कोलाइटिस होने वाला नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का संबंध खान पान से अवश्य बना रहता है, बल्कि मेरे प्रिय दर्शक ये समझ लें कि
कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से खान पान का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता होता ही रहता है। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कोलाइटिस का कारण विभिन्न प्रकार के एंटीजन जैसे दूध, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स का रिएक्शंस ही होता रहता है, परंतु सभी प्रकार के रोगियों में इस रोग का कारण भोजन संबंधी एलर्जी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ लोगों में, कुछ व्यक्तियों में जेनेटिक फैक्टर भी इस रोग का एक प्रमुख कारण बन जाता है। वहीं कुछ केसेस में कार्सिनोमा यानी कैंसर एवं रक्त में एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस मिलता ही रहता है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक मुख्य और एक प्रमुख कारण बन जाता है। मित्रों, जहां तक खान पान का प्रश्न है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वसा युक्त भोजन नियमित करते रहने से तथा जंक फूड का नियमित सेवन करते रहने से, स्लाइस्ड ब्रेड यानी डबल रोटी का प्रयोग सुबह के नाश्ते में नियमित करने वालों को देखा ये जाता है कि कोलाइटिस होने की, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना बहुत ही अधिक बन जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे दर्शक एक जागरूकता वाला एक बात जानना चाहेंगे कि एक रोगी कोलाइटिस की पहचान कैसे कर सकता है, यानी कि एक रोगी के शरीर पर कोलाइटिस के कौन से लक्षण उभरते हैं जिससे वो उसको यह पहचान हो जाए कि हाँ, हमको कोलाइटिस हो गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जीर्ण अवस्था के लक्षण इतने अधिक परेशान करने वाले होते हैं कि रोगी को अपने आप चिकित्सक के पास आकर स्वयं कन्फर्म वो कर ही देता है। जीर्ण अवस्था में अतिसार यानी कि डायरिया इस रोग का एक प्रमुख और प्रधान लक्षण होता है। डायरिया से भी लिक्विड की तरह यानी कि अर्थ द्रव होता ही रहता है, ये मात्रा में बहुत ही अधिक होता है। साथ ही दिन में 5 से 10 बार बड़े वेग के साथ ये निर्गत होता रहता है और शौच लगने पर इसे रोक पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि वायु निर्गत के साथ साथ भी थोड़ा सा शौच निकल ही जाता है। देखा ये जाता है कि कोलाइटिस में दस्त का रंग पीलापन लिए हुए होता है। आँव और रक्त पृथक पृथक ना आकर मल के साथ एकदम मिलकर आते रहते हैं और ये भी देखा जाता है कि ये क्रिया बहुत दिनों तक चलती ही रहती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दस्त के साथ साथ रक्त की मात्रा बहुत अधिक आ जाती है। इसके साथ ही रोगी में एनोरेक्सिया यानी भूख का न लगना, रक्तातिसार यानी मल में रक्त का अधिक मात्रा में आना, दुर्बलता यानी वीकनेस तथा शक्तिहीनता यानी लैक ऑफ एनर्जी के लक्षण उपस्थित मिलते रहते हैं। उदर पीड़ा तथा अधम यानी पेट का फूल जाना यानी कि डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन प्राय ही इस तरह के मरीजों में अल्सरेटिव कोलाइटिस में पाया ही जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि फैट यानी वसा के संचय के कारण होता है तो देखा ये जाता है कि यकृत यानी लीवर भी बहुत बढ़ी जाता है तथा उसमें कुछ हल्का हल्का दर्द भी पाया जाता है और पेट का सूजन दाहिने तरफ का थोड़ा सा अधिक हो जाता है। और फिर बाद में होता क्या है कि वो कभी आयुर्वेद की दुकान पर, कभी होम्योपैथ की दुकान पर, कभी एलोपैथ की दुकान पर वो इस शिकायत के साथ जाते रहते हैं कि हमारे पेट में, हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हमारा खाना हजम नहीं होता है। तो मुझको ये नहीं समझ में आता है कि उनके इस वैभव को सुख कहा जाए या उनका यह दुख कहा जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? संजय जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
शारीरिक श्रम का होना प्रत्येक मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसमें शरीर के नाड़ी मंडल सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं तथा शरीर के अंग प्रत्यंग भी हर समय गति में बने ही रहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का आक्रमण तीव्र तथा धीरे दोनों ही प्रकार से होता ही रहता है। अधिकतर ये ऐसे व्यक्तियों में देखने में मिलता है जो है तो युवावस्था के परंतु बहुत ज़्यादा बैठे ही रहते हैं या उनका कार्य ही ऐसा है जो बैठकर ही किया जा सकता है। ऐसे लोगों में ये शनय शनय अज्ञात रूप में ही प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम बिना अतिसार के ही मल में रक्त तथा पुए यानी मवाद आने लगता है। ये अवस्था महीनों तक बनी ही रह सकती है। यदि इसी समय इसका त्वरित एवं उचित इलाज हो गया तो ये रोग ठीक भी हो ही सकता है, अन्यथा अतिसार यानी डायरिया भी लक्षण प्रारंभ हो ही जाता है। दिन में कई कई बार पतले दस्त आते ही रहते हैं। यदि इस पर भी रोगी नहीं चेता है और उचित इलाज नहीं कर पाया है तो उसका अतिसार यानी लूज मोशंस महीनों महीनों तक वर्षों वर्षों तक बनी ही रह सकती है। इस रोग के प्रभाव को कम करने के लिए दवा के साथ साथ उचित व्यायाम, उचित कसरत, उचित नियम, उचित योगा बहुत ही आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, आपने लक्षण तो बहुत विस्तार से बताए। लक्षण में तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि लक्षण डॉक्टर साहब ने जितने बताए हैं उसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कोलाइटिस आपको है या नहीं है। लेकिन हमारी अब ये जो बात आती है कि ये पैथोलॉजी एज है सर, तो पैथोलॉजी एज होने के नाते होता क्या है कि एक चिकित्सक भी किसी बीमारी को निश्चित निर्धारण के पहले वो सोचता है कि भाई पैथोलॉजी जाँच हो जाए उसके बाद ही हम बताएँ। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोलाइटिस में जो पैथोलॉजी होती है उसके संबंध में कुछ जानकारी दे दीजिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस को कन्फर्म डायग्नोसिस करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसके लिए स्टूल कल्चर किया जाता है जिसमें बहुधा किसी जीवाणु की उपस्थिति नहीं मिलती है, परंतु RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, असंख्य म्यूकस तथा कुछ पुए सेल्स यानी पस सेल्स उपस्थित मिलते रहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस तथा BSR यानी बेसल सेडिमेंटेशन रेट बहुत ही बढ़ा हुआ मिलता रहता है एवं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है तथा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भी बहुत ही कम हो ही जाता है। पुराने रोग में बेरियम का एनिमा देने से, बेरियम का एक्सरे करने से ये देखा जाता है कि बड़ी आंत हर समय अधिक सक्रिय रूप से दिखाई देती रहती है, यानी उस व्यक्ति को बार बार लैट्रिन आना, बार बार पतला दस्त आना बना ही रहता है। श्लेष्म कला तथा म्यूकोलरिस म्यूकोसा के मृत हो जाने के कारण आंत में पाए जाने वाले हसला दिखलाई नहीं देते हैं। आंत पाइप के तरह तथा कुछ अधिक संकुचित दिखलाई पड़ने लगती है तथा उसमें व्रणों के अधिकाधिक गड्ढे यानी अल्सर्स यानी गड्ढा दिखाई पढ़ते ही रहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि वैसे तो शौच पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो एक नेचर है, लेकिन सामान्य अवसर पर जबकि उस पर कुछ नियंत्रण होता भी है तो जब ये कोलाइटिस की बीमारी होती है या फिर इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन की बीमारी होती है तो शौच पर बिल्कुल नियंत्रण समाप्त हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, रोग के बहुत पुराने हो जाने पर इस शोथ युक्त प्रदेश की झिल्ली स्थान स्थान पर मृत होकर सड़ जाती हैं।
जिससे बृहद तंत्र में छोटे छोटे उथले व्रण हो ही जाते हैं। व्रणों के बीच की श्लेष्म कला युक्त हो जाती है और फूली हुई दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे रोग के और अधिक पुराना हो जाने पर श्लेष्म कला के नीचे का अवयव कुछ मोटा और कठोर जैसा बन जाता है और लगने लगता है, जिससे आंत के बीच का भाग कुछ तंग सा हो जाता है। इस प्रकार से आंत का आकार धीरे धीरे बदलता चला जाता है। सूजन के बाद आंत छीड़ होने लगती है और इसकी लचक बहुत ही कम हो जाती है, यानी उसमें कड़ापन आ जाता है। ये मल का शोषण एकदम से कर ही नहीं पाता है और विक्षुब्ध होने के कारण मल को शीघ्र आगे की ओर फेंकने लगता है, जिसके प्रारूप से जिसके कारण अतिसार यानी पतला दस्त रोगी को आता ही चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी, इसके लिए जितना भी आभार आपका व्यक्त किया जाए वह कम ही है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई बीमारी होती है उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत गंभीर बीमारियाँ उपद्रव के रूप में आ जाती हैं, जैसे एक बीमारी के साथ दर्जनों बीमारी आती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कौन कौन से मुख्य उपद्रव हमारे शरीर में आरंभ हो जाते हैं और जैसे जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जीर्ण अवस्था में जाती है वैसे वैसे ये उपद्रव काफ़ी बढ़ता जाता है, उसके बारे में हमारे दर्शक अगर जान जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये बीमारी के बारे में भी उनको सावधानी बरतने में अच्छा रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रसित रोगी अधिकतर चिर रोगी यानी पुराने रोगी ही बने रहते हैं। ये रोग प्रबल होकर पुनः पुनः अच्छा हो जाता है, किंतु यदि इसके साथ अन्य रोगों के उपद्रव भी प्रारंभ हो गए हैं तो ये एक असाध्य सा रोग हो ही जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जीर्ण यानी पुराने होने पर देखा ये जाता है कि अन्य उपद्रव के रूप में एनल फिस्चुला, पेरी एनल फिस्चुला, रेक्टल प्रोलैप्स, रक्त स्राव, कोलोन का छिद्रीकरण यानी कोलोन में छेद हो जाना, कोलोन का विस्तार जैसे लोकल कॉम्प्लिकेशंस एकाएक उत्पन्न होते चले जाते हैं, किंतु सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस के रूप में सोरियासिस, पायोडर्मा, गैंग्रीनोसम, एपिक्लोराइटिस, आयराइटिस, यूवेआइटिस, फैटी लिवर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इत्यादि की शिकायत बनती चली जाती है और हो ही जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो उपद्रव बताए, अब इतने सारे उपद्रव आपने बताया उसमें से जो फेस्चुला बताया, चूँकि फेस्चुला के बारे में हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि वह दो मुहा घाव होता है और इस तरह के घाव व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, यानी कि कोलाइटिस से भी ज़्यादा परेशानी उसके उपद्रव के कारण हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी और हमारे दर्शकों को आज अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपने विधिवत बता दिया, एक विधिवत व्याख्यान आपका हुआ इसके बारे में, ये बहुत अच्छा लगा। अपने उन दर्शकों की तरफ और देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं, वह दर्शक जिन्होंने हमको मैसेज किया हुआ है, आपकी इजाजत हो तो उन्हें पढ़ लिया जाए। अवश्य अवश्य पढ़िए। डॉक्टर साहब, ये मैसेज है अनिल चंद दुबे जी का, इनका आवास दाउदपुर चौराहे के निकट है। यह जानना चाहते हैं कि अंगुलियों के कुचल जाने की घटना, जैसे खिड़की से, दरवाजे से या किसी भी तरह से कुचल जाने की घटना प्रायः ही घरों में होती रहती है, कभी कभी यह पककर बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए वो चाहते हैं कि कोई होम्योपैथी इलाज बता दिया जाए। श्रीमान अनिल चंद्र दुबे जी, आपको एक अच्छा प्रश्न पूछने के लिए सर्वप्रथम मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। घरों में प्रायः ये देखा जाता है कि घरेलू काम काज करते वक्त असावधानी वश
उंगलियों के कुचल जाने की घटनाएं प्रायः ही देखी जाती हैं। इसमें सर्वप्रथम तो दर्द के साथ सूजन आ जाती है तथा त्वचा का रंग भी बदलकर लाल हो जाता है। कुचलने के स्थान पर यदि तुरंत बर्फ को साफ करके मुलायम कपड़े में लपेटकर लगा देना चाहिए तो उससे तुरंत आराम हो जाता है। यदि बर्फ उपलब्ध नहीं है तो ठंडे पानी को कटोरी में लेके उस आघात लगे उंगली को उसमें डुबो देना चाहिए और उंगली तथा उस हाथ को नीचे न लटकाकर ऊंचा करके ही रखना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि दर्द में थोड़े देर में ही आराम आ जाता है और उस स्थान में सूजन यानी लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ने नहीं पाता है। यदि आप अपने घर में होम्योपैथिक की कैलेंडुला लोशन रखते हैं तो उसका तुरंत लेप कुचलने वाले स्थान पर लगा दें तथा होम्योपैथिक की दवा मुख द्वारा आर्निका 30 शक्ति का 2-2 घंटे पर देना प्रारंभ कर दें। इससे आप पाएंगे कि कुछ ही घंटों में कुचलने वाले स्थान की लाली एवं सूजन दोनों ही बहुत अधिक जल्दी से शांत हो गई है और ठीक हो गई। डॉक्टर साहब, ये मैसेज है शफीक अहमद जी का। ये हेल्थ प्लस कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं कि ये कार्यक्रम इनको अच्छा लगता है और ये दर्शकों को बहुत जानकारी देता है, विशेष तौर से ऐसे लोगों को जिन जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं। यह जानना चाहते हैं कि होठों का बार बार सूजना या पक जाना क्या कैंसर का लक्षण होता है या यह एक सामान्य फोड़े या सूजन की तरह ही होता है? शफीक अहमद जी, आपका कार्यक्रम के प्रति प्रेम आपके मैसेज में झलक रहा है। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ओंठों का बार बार पकना या सूजन का हो जाना किसी स्वरूप में है या क्या है ये जानने के बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि ये कैंसर का रूप है या साधारण एलर्जी है या कोई अन्य कारण है। इसके लिए आपको किसी भी अच्छे चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना पड़ेगा और इसको कंफर्म करने के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना अनिवार्य है। यदि आप इस विषय पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हेल्थ प्लस का अगला कार्यक्रम आप अवश्य देखिए और अपने सब लोगों के साथ मिलकर देखिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मुख गुहा का कैंसर के विषय में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से आप जान जाएंगे कि होठों का सूजन एक साधारण सा सूजन है या किसी गंभीर रोग का लक्षण है। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शक इस प्रतीक्षा में है कि आज के एपिसोड में श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता कौन होता है और मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी आप जैसे ही देंगे उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके नाम की घोषणा करें और उनकी जिज्ञासा का समन करें। आज के एपिसोड में श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता श्री अनिल चंद्र दुबे जी ही हैं। अनिल चंद्र दुबे जी, आपको मेरी तरफ से और हमारे हेल्थ प्लस की टीम के तरफ से ढेर सारी बधाई दिया जाता है। आप अपना मैसेज इसी तरह से भेजते रहें और अपने मन की जिज्ञासा को अपना शांत करते रहें। आपको हेल्थ प्लस कार्यक्रम की ओर से गिफ्ट आपके पते पर बहुत ही जल्द भेज दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल चंद दुबे जी, आपको हेल्थ प्लस कार्यक्रम की तरफ से दी जाती है ढेर सारी बधाई। आप देखते रहिए हमारा अति लोकप्रिय कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता का हेल्थ प्लस। पूछते रहिए हमसे सवाल और पाइए ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर।
आप देखते रहें हमारा कार्यक्रम हेल्थ प्लस, जीवन को आसान करने का, जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं उसके बारे में जानकारी रखें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। डॉक्टर साहब, आज की वार्ता बहुत अच्छी हुई और अल्सरेटिव कोलाइटिस के संबंध में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं चाहूँगा कि अब चूँकि चलने का समय भी हो गया है, समय की मर्यादा को हम लोग ध्यान में रखें, और चलते चलते भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे दर्शकों को अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचने के कुछ टिप्स आप अवश्य देते जाएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, मित्रों, आज के आपाधापी वाले जीवन में पाया जाने वाला एक बहुत ही परेशान करने वाला रोग होता है, क्योंकि देखा ये जाता है कि जब ये रोग प्रथम चरण में प्रारंभ होता है तो अधिकतर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण धीरे 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 ये रोग शरीर में घर कर जाता है और उस व्यक्ति को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि उपचार के साथ साथ बचाव भर भी सुपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, या ये रोग तब होता ही नहीं है, और यदि हो भी जाता है तो बार बार परेशान न करके ये रोग बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस को लगातार अनदेखा करने के कारण ये जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है तो ऐसे रोगी को कुछ दिनों के लिए पूर्ण विश्राम कर लेना चाहिए, उसका आहार किसी अच्छे चिकित्सक के अनुरूप पूर्णतया पौष्टिक तथा विटामिन से भरपूर होना ही चाहिए, क्योंकि देखा ये जाता है कि ऐसे रोगी अधिकतर रक्त स्राव होने के कारण एनीमिया यानी रक्त अल्पता के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा भोजन देते रहना चाहिए कि जिससे हीमोग्लोबिन्स की मात्रा फिर से बढ़ती चली जाए, जैसे दिन में 2 से 3 बार पका हुआ केला, लाल चुकंदर, अनार का जूस, पपीता इत्यादि इत्यादि। यदि किसी मरीज में बहुत अधिक रक्त स्राव के कारण हीमोग्लोबिन्स की मात्रा बहुत ही कम हो गई है या पाई जाती है, तो ऐसे महिला या पुरुष में तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक की देख रेख में ट्रांसफ्यूजन ब्लड का अवश्य करा देना चाहिए। किसी किसी रोगी में ये रोग दूध और दूध से बनी हुई उत्पादों के सेवन के कारण बहुत ही बढ़ता चला जाता है, इसलिए चेष्टा करनी चाहिए कि दूध, खोआ तथा दूध की बनी मिठाइयाँ और मलाई, राबड़ी इत्यादि के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से अवश्य बचा रहना चाहिए। किंतु मित्रों, यदि दूध से एलर्जी नहीं है तो आप ये भी पाएंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में दही, मट्ठा, पनीर का सेवन बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दिन में कई बार ऐसे मरीज को दही, पनीर और ठंडा मट्ठा नमक और चीनी के साथ देने से बहुत ही अधिक लाभ पहुंचता है। यदि मरीज में अतिसार यानी डायरिया बहुत दिनों से चलता आ रहा है तो मरीज के शरीर में जल की मात्रा प्रायः बहुत ही कम हो ही सकता है, इसलिए जलापूर्ति के लिए मरीज को हर समय नमक और चीनी का घोल देते ही रहना चाहिए, ताकि मरीज का इलेक्ट्रोलाइटिक बेस बना रहे। ऐसे मरीज को भूल कर भी दूध का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। नवयुवक एवं नवयुवतियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि मैदे से बनी हुई वस्तु जैसे नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैक्रोनी, चाउ चाउ
हॉट डॉग्स, मैगी इत्यादि का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ऐसे भोज्य पदार्थ आंतों में जाकर बड़ी आंतों के श्लेष्म कला में शोथ उत्पन्न करते रहते हैं और बड़ी आंतों में चिपके रहते हैं, जिससे धीरे धीरे आंतों का व्रण बढ़ता ही चला जाता है। सोसाइटी की महिलाएं एवं आधुनिक महिलाएं एवं पुरुषों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक हैं तो शाकाहारी भोजन को ही कृपया प्राथमिकता दें। मांसाहारी भोजन का सेवन यदि बहुत अधिक आवश्यक न हो तो रोज न करके 10 या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि देखा ये जाता है कि रेड मीट यानी लाल गोश्त जैसे खसी का या भेड़ का या अन्य पशुओं का मांस अल्सरेटिव कोलाइटिस को बढ़ावा तो देता ही है, और ये भी देखा जाता है कि इसका स्वरूप धीरे धीरे जीर्ण होते हुए अतिसार का रूप लेते हुए चला जाता है। रोग के तीव्र अवस्था में पका हुआ केला, पपीता, दही, मट्ठा, इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज, बार्ली का पानी, दूध फाड़ा हुआ पानी, चावल का माड़, मूंग के दाल का पानी, मूंग का पतला खिचड़ी, कच्चा केला, लौकी, पपीते की सब्जी इत्यादि हल्का सुपाच्य भोजन ही देते रहना चाहिए। व्रणों अर्थात घाव के शीघ्र उपचार के लिए विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन सी जैसे आंवला, कागजी नींबू, अमरूद इत्यादि का प्रयोग कराते रहना चाहिए। यदि अतिसार के कारण रक्त स्राव बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मरीज को विटामिन के का उपयोग भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। रोग में सुधार होने पर धीरे 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 भोजन की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर खान पान के साथ साथ आहार विहार पर भी नियंत्रण रखना ही चाहिए, जैसे रोज सुबह टहलना, योगा करना, हल्का व्यायाम करना, समय से भोजन करना इत्यादि इत्यादि। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर। मित्रों, इन बिंदुओं का पालन करने से निश्चित ही आप दीर्घ काल तक पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप देख रहे थे स्वास्थ्य जागरूकता का अति लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस। आज की जानकारी का विषय था अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस संबंध में जानकारी दे रहे थे प्रख्यात लोकसेवी लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर रामरतन बनर्जी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। विषय होगा मुख गुहा का कैंसर। देखते रहिए कार्यक्रम हेल्थ प्लस। मिलते हैं अगले रविवार रात 9 बजे। तब तक के लिए संजय पति त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।